आज की इस वीडियो में मैं तीन चीजें डिस्कस करूंगा। नंबर वन पर है क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करेंगे और नंबर टू पर एक ब्रेकिंग न्यूज भी है कि अब BTC पर भी आप अपनी NFT मिंट कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि पहले हम एथेरियम पर, पॉलीगॉन और सोलाना पर कर सकते थे, BTC ब्लॉकचेन पर भी अपनी NFT मिंट कर सकते हैं। और नंबर थ्री पर आपको एक अपकमिंग NFT प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। काफी दिनों बाद आपसे इंटरेक्शन हो रही है तो सबसे पहले हम मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट की इस टाइम क्या पोजीशन है। बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम 28,500 के करीब है, एथेरियम की 1,800 के करीब है, आगे BNB, USD कॉइन। हमारा जो ज्यादा काम होता है वो एथेरियम से होता है। एथेरियम की वैल्यू इस टाइम 1,800 के राउंड बाउंड है। अगर मैं BTC का चार्ट ओपन करूं, मैंने लास्ट 7 डेज का चार्ट ओपन किया है, यहाँ पर देखें ये 28,500 से होता हुआ और यहाँ पर देखें ये 28 मार्च को इसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई है और अब फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई और अब थोड़ी सी माइनर सी इसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है। मार्केट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हमें पता चले कि एथेरियम की क्या वैल्यू है और बिटकॉइन की क्या वैल्यू है, क्योंकि सारी मार्केट डिपेंड करती है BTC पर। जितनी ज्यादा BTC की प्राइस होती है उतनी प्राइस इंक्रीज हो जाती है दूसरे कॉइन की। अगर हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम जो है $1,850 से नीचे ही जाता जा रहा है। यहाँ पर 28 मार्च को ये भी जो है 1,707 पर गया है, तो अब थोड़ा सा इंक्रीज होके डिक्रीज हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करें कि जिस दिन BTC की प्राइस ऊपर होती है उसी दिन एथेरियम की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। और जाते जाते एक नजर न्यू कॉइन्स पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा काम इस तरह है तो हमें हर तरफ नजर रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखें बहुत सारे कॉइन्स हैं, जो नए नए लॉन्च हो रहे हैं। ये एक कॉइन है ज़ेनेक्स, ठीक है, ये एथेरियम ब्लॉकचेन पर है, ये BSC ब्लॉकचेन पर है और नंबर थ्री पर द वर्ल्ड स्टेट है, ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर है। आप ये चीजें खुद देखते रहा करें, आपका एक्सपीरियंस और बढ़ जाएगा। अच्छा, ओपनसी को भी देख लेते हैं। ट्रेंडिंग पर जो कलेक्शन जा रही है वो नंबर वन पर ये है, नंबर टू पर ये, नंबर थ्री पर, अब ये देखें ये जो ट्रेंडिंग पर है, अगर हम टॉप पर जाएं, नंबर वन पर ये NFT टॉप पर है, नंबर टू पर अजुकी है, ठीक है, बोर्ड ऐप जो है वो थोड़ी सी नीचे चली गई है, कूल कैट NFT ये नंबर सिक्स पर आ गई है। तरह अप एंड डाउन आते जाते रहते हैं, आप इन सारी चीजों का एनालिसिस करते रहा कर। अच्छा, नंबर टू पर है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे आपको पता है कि हम पहले NFT मिंट करते थे एथेरियम ब्लॉकचेन पर, पॉलीगॉन पर, सोलाना पर, ये तीन बड़ी ब्लॉकचेन थी जिन पर NFT मिंट होती थी। अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि हम BTC पर भी अपनी NFT मिंट कर सकते हैं। जिस तरह एथेरियम पर करते थे तो हमें गैस फीस देनी पड़ती थी, BTC पर नहीं होता था कि इसकी गैस फीस बहुत ज्यादा होगी और ये ब्लॉकचेन इस पर्पस के लिए बनी हुई नहीं थी। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाएं, magiceden.io। इस वेबसाइट ने सबसे पहले BTC पर NFT लॉन्च की है। यहाँ पर जो पहले था वो सोलाना था, एथेरियम था, पॉलीगॉन था और अब यहाँ पर देखें BTC भी आ गया है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखें अपने राइट साइड पर देखें तो आपको कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन नजर आ रही है। जो BTC को जो तीन वॉलेट सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सवर्ड्स है, यूनिसेट है और हीरो है। तीनों वॉलेट पर आप अपना अकाउंट बनाकर BTC के थ्रू अपनी NFT सेल और परचेज कर सकते हैं। ये लास्ट 24 आवर का स्टेटस है BTC D-Gods। अब ये जो D-Gods प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आपके भाई की एक एफर्ट है। आप कमेंट सेक्शन में गेस करो कि मेरा क्या रोल हो सकता है इस प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पर देखें इसकी फ्लोर प्राइस क्या है, 0.85 BTC। टोटल वॉल्यूम जो है इसका वो 33.91, ये मतलब कि इसने इतनी ज्यादा ट्रेड यहाँ पर कर भी ली है D-Gods ने BTC पर। ये कलेक्शन है जो BTC पर टॉप पर आ रही है। यहाँ पर देखें लोग कितने की सेल कर रहे हैं, एक BTC 18,000 के करीब है, तो 1.23, कितनी ज्यादा ये महंगी NFT सेल हो रही है। मेरा ख्याल है ये तो क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड ऐप को भी क्रॉस कर देगी। पॉपुलर कलेक्शन है जो BTC पर लॉन्च हुई है, ये टॉप कलेक्शन है जो मैजिक इडन पर अवेलेबल है बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर। आप इनको एक्सप्लोर करो और देखो और अपना वॉलेट कनेक्ट करके आप इजीली BTC पर भी मिंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि BTC पर किस तरह से मिंट करनी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ को इस पर वीडियो चाहिए। और नंबर थ्री पर हमारा NFT अपकमिंग प्रोजेक्ट है आर्काइव ऑफ पीस -1। तो यहाँ पर देखें ये मिंटिंग के लिए अवेलेबल है। नीचे मैं स्क्रोल करूं तो आप देख सकते हैं 23% जो इसकी NFTs है वो मिंट हो चुकी है, 13,000 प्लस इसकी NFTs है, BNB ब्लॉकचेन पर है। अच्छा, जो इसकी अलाउ लिस्ट थी, विनर स्टेज थी, देखें आपको पता है कि हर एक चीज की व्हाइट लिस्ट होती है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ओनर इसको मुख्तलिफ नाम दे देते हैं, अलाउ लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, येलो लिस्ट, मुख्तलिफ नाम दे देते हैं। और मार्च 22 को इन्होंने जो अलाउ लिस्ट थी वो भी मिंट इन्होंने कर दी है। फर्स्ट पब्लिक सेल पर देखें 0.27
बीएनबी। तो यहाँ पर देखें $85 के राउंड पॉइंट इसकी प्राइस है जिस पर ये मिंट के लिए अवेलेबल है। तो ये इसका क्रिएटर है जिसने बनाई है, 8.4 मिलियन इसके फॉलोअर हैं ट्विटर पर। और यहाँ पर देखें इंस्टाग्राम पर इसके 22.1 मिलियन फॉलोअर हैं। इसका मतलब है कि ये आर्ट से रिलेटेड बंदा है, इसका इंटरेस्ट, और यकीनन इसके आर्ट में ऐसी चीज होगी जिसके आगे जाकर एक वैल्यू होगी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करें और इसकी एक आधी NFT खरीद कर रख लें। बाद में उम्मीद है कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और आप उसको महंगे दामों सेल कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और कौन सा प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, मुझे काफी सारे कमेंट्स आए कि जो ओपन सी के मेन पेज पर जो है इस तरह से ये NFT कलेक्शन का शो हो रहा है, ये किस तरह से होता है। ये देखें, ये NFT ड्रॉप्स होते हैं, आपको ओपन सी की टीम से कंसर्न करना पड़ता है। आप उनको एक फॉर्म वो आपको देते हैं, आप फिल करें, अपनी सारी डिटेल दें, उनकी जो टीम है उसको एनालिसिस करेगी। अगर वो देखे कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो आपको यहाँ पर मिंटिंग अलाउ कर देगी, लाइव मिंटिंग। पहले ये होता था कि हर प्रोजेक्ट जो है अपनी वेबसाइट पर मिंट कर रहा होता, लेकिन ओपन सी का ये फीचर आया है कि अब यहाँ पर लाइव मिंटिंग कर सकते हैं। अगर आपने करनी है तो ड्रॉप्स पर आए, यहाँ पर देखें दो ऑप्शन है, कैलेंडर और लर्न मोर। लर्न मोर पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल दे देगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड और NFT और ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।